आप लोग कारोबार करने वाले हैं, कपड़े की दुकान है, परचून की दुकान है, या इलेक्ट्रिक का, कंप्यूटरों का, कोई भी आपका दुकान है, किसी भी तरह की आपकी दुकान हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने माल को बेचते वक्त सच बोल करके बेचा जाए तो उस माल के अंदर, उस कमाई के अंदर बरकत आएगी। अब अक्सर लोगों को यहाँ धोखा हो जाता है, अक्सर लोग बात समझते नहीं और कहते हैं झूठ बोले नहीं सका हमें बेपरा कर सकते नहीं। हालांकि ये बात गलत है। हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत और इस्लामिक लॉ यह ऐसी चीज़ है कि इसमें हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत का हर मसला खोल करके बयान किया गया। झूठ का मतलब ये नहीं है कि आपको व्यापार में फ़ायदा ना हो, 10 रुपये में आपने खुद वो सामान ख़रीदा है और सामने वाले को 10 बोल करके बेचें और आपका नुकसान हो जाए, फ़ायदा कुछ ना मिले, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम की तालीम यह है आपने कितने में ख़रीदा, 10 रुपये में, ट्रांसपोर्ट में 5 रुपया लगा, टैक्स में 5 रुपया लगा, टोटल 20 हो गया, दुकान का किराया, काम करने वालों को माहाना तनख्वाह, इस तरह सब मिला जुला करके आपको उस चीज़ पर प्रॉफिट कितना आना चाहिए। मिसाल के तौर पर उस चीज़ की कीमत आपको 20 रुपये में पड़ रही है, तो आप सामने वालों को बोलें कि इसकी कीमत जो मैं बेच रहा हूँ 50 रुपया है या 40 रुपया है, तो ये कोई झूठ नहीं है, ये मेरी चीज़ है, मैं इसको 50 में बेचता हूँ। अब सामने वाले ने कहा कि मैं 40 रुपये दूंगा, 10 रुपया कम कर लो, आपने कहा नहीं भाई मुझे खुद ये 45 में पड़ा है, ये झूठ है, मुझे खुद ये चीज़ 45 में पड़ी है, ये क्या है, झूठ है, इससे मना किया गया है। आपको ये बोलना है कि 40 रुपया में गिरता नहीं है, बनता नहीं है, मुझे फ़ायदा नहीं होगा 40 में अगर तुम्हें दूंगा तो, चलो 45 में देता हूँ या 42 में देता हूँ या 10-15 ले लो तब 40 में देता हूँ, इस तरह आप बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो झूठ का मतलब यह है कि आपने उसको जितने में ख़रीदा नहीं है और सामने वालों को बोल रहे हैं कि मैंने इतने में ख़रीदा, मेरा नुकसान हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ये झूठ है। और इसी तरीके से कोई चीज़ है डुप्लीकेट है, आप उसको ओरिजिनल बोल करके बेच रहे हैं, जापान का नाम लिखा हुआ है सिर्फ, लेकिन असल में वो जापान का नहीं है, चाइना का है या कहीं और का बना हुआ है, आप उसको बोल करके बेच रहे हैं कि ये जापान का इम्पोर्टेड आइटम है ले लो, तो ये झूठ है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कपड़ों का कारोबार था, बहुत बड़े वो ताजिर थे, अपनी दुकान में, फैक्ट्री में काम करने वालों से कहा था कि जब कोई मेरे यहाँ से माल ख़रीदने के लिए आए, मेरी दुकान पर आए, कपड़ा लेने आए, अंधेरे में सामान मत बेचना, कपड़ा अंधेरे में मत बेचना, बल्कि उजाले में, रोशनी में बेचो और कपड़ा खोल करके मुकम्मल दिखाओ, जितना उसको चाहिए पूरा खोल करके दिखा करके बेचो, कहीं फटा होगा, कहीं टेढ़ा होगा, कहीं धागे छूट गए होंगे, वो सारी कमियां भी उसको दिखाओ कि ये कपड़ा ऐसा है, इसका इतना रेट है। तो जब आदमी इस तरह कारोबार करेगा, सुनने में तो आपको अजीब लगेगा, हज़रत ऐसा व्यापार करे तो हमें डूब जाती,
सुनने में आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ईमान वाले की जबान से ये बात कभी नहीं निकलती। आपका ईमान है अल्लाह पर, और अल्लाह ताला ने जिस तरीके से कारोबार करने को कहा है उस तरीके से करेंगे तो बरकत आएगी। लोगों का देखा देखी, डुप्लीकेट को ओरिजिनल बोलकर अंदर खराब है ऊपर अच्छा डाल करके अंदर खराब डाल करके बेचेंगे, उस माल के अंदर बरकत नहीं आएगी। आप सच्चाई के साथ कारोबार करें, सच बोल करके आप कारोबार करें तो लोगों के दिलों में आप पर एतमाद बढ़ेगा। बहुत अच्छा आदमी है, बिल्कुल सही बताता है इसके बारे में। आप इस तरह कारोबार करेंगे, लोगों के दिलों को आप जीत लेंगे और लोग आपकी तरफ ज़्यादा आएंगे। प्रॉफिट कम रखो, कस्टमर ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा माल बिक्री होगी। चंद सालों के बाद प्रॉफिट थोड़ा बढ़ाओ और बिक्री होगी, अल्लाह ताला इस तरह आपके माल में बरकत को लाएगा। तो कारोबार के अंदर बरकत चाहिए, माल के अंदर बरकत चाहिए, तो सच्चाई के साथ कारोबार करना, धोखा नहीं देना है।